एक दफा हम उस चीज को रिवाइंड रिव्यू कर लें कि हमने अभी तक क्या किया है यूनिट फाइव में एंड साउंड में हमने कुछ ग्रामर के जो पोर्स टच किए थे वहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी जिसको मैं आज के लेसन में रिलेट करूंगी वो थी रिलेटिव प्रोनाउंस हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एक रिलेटिव फ्रेज बनाते हैं उन वर्ड्स के साथ क्या होता है वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स के साथ नाउन और प्रोनाउंस के लिए मजीद इंफॉर्मेशन दी गई होती है ठीक है रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर इन चीजों की मजीद इंफॉर्मेशन दी गई होती है क्यों ताकि हमारा सेंटेंस इंटरेस्टिंग बन जाए और मजीद डिस्क्रिप्टिव हो जाए याना यानी कि हमें उस एक रिलेटिव प्रोनाउन और उस सेंटेंस में दी गई जिस भी नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस में बड़ी खूबसूरती से पूरी कर दी जाए ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों फ्रॉम द टॉप

किस चीज में हेल्प करते हैं हमें मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए नाउन्स और प्रोनाउन्स को वेरी गुड दूसरी बात है दे हेल्प अस इन मेकिंग द सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ एक सेंटेंस के अंदर अगर नाउन और प्रोनाउन्स लिखे हैं ठीक है उस सेंटेंस के अंदर उस नाउन और प्रोनाउन को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैची बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है बहुत सारे एब्जेक्टिव यूज किए जाते हैं अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ वी कैन यूज वन टू एंड थ्री एबजेक्टिव इन सेंटेंस टू मेक इट इंटरेस्टिंग यहां पर एक बात गौर से सुनने वाली है एक सेंटेंस में एक नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए हम एक दो तीन या इससे ज्यादा भी एबजेक्टिव लगा सकते हैं ओके यहां तक हो गई एबजेक्टिव की बात कंप्लीट एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिस एग्जाम्पल के अंदर क्या है ये तीनों बातें कवर हो रही है राइट तीनों बातें कैसे कवर हो रही है नाउन को डिफाइन किया जा रहा है डिफाइन किस तरह किया जा रहा है दो या तीन से ज्यादा एडजेक्टिव्स लगा के ठीक है एग्जाम्पल में पढ़ देती हूं अंड्रेड स्टोरी इम्पोजिंग एंड रोटेटिंग सेवन स्टार होटल इज प्रिपेयर्ड टू बी बिल्ड एट दिस साइट एक हंड्रेड स्टोरी जो हमारे पास सो मंजिला इमारत है हंड्रेड स्टोरी बिल्डिंग ठीक है हंड्रेड स्टोरी आ गई इम्पोजिंग यानी वो एक बहुत अच्छा हमारे पे इम्पैक्ट दे रही है एंड रोटेटिंग और क्या है इट्स इन द रोटेटिंग फॉर्म ठीक है रोटेटिंग यानी गोल घूम रही है सेवन स्टार होटल कैसा है एक ऐसा होटल है जो कि राउंड में है ठीक है इंपोजिंग यानी के बहुत अच्छा इंपैक्ट उसका आ रहा है और हंड्रेड स्टोरीज है यानी सौ मंजिला इमारत है ठीक है एक हंड्रेड स्टोरी बिल्डिंग है राइट सो so, आप देखें कि एक सेवन स्टार एक होटल को डिफाइन कर रहे हैं ना हम होटल हमारा नाउन है लेकिन इसके साथ जितने लगाए गए आप देख रहे हैं ये क्या बना रहे हैं उस एक होटल को जो कि यानी हमारा नाउन था उसको मजीद इंटरेस्टिंग बना रहे हैं तो ये हो गई एक प्रॉपर यूजेज किसका एक्सैक्टली ये प्रॉपर यूजेज हो गया हमारे एबजेक्टिव का अब आज का टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों उससे पहले मैं आपको बताऊंगी एक बात हम करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज से रिलेटेड एक हम बात करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड। फिर मैं आपको बताऊंगी इन दोनों में डिफरेंस क्या है ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं है, है? है? ये बेसिकली एक क्या होता है फ्रेज है हमें फ्रेज का कोई मीनिंग नहीं होता फ्रेज एक सेंटेंस नहीं होता लेकिन वो फ्रेज क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ वर्ड्स का ग्रुप है जो कि क्या बता रहा है नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल से क्लियर करूंगी इट्स कॉल्ड फ्रेज बिकॉज इट्स इट डज नॉट हैव वर्ब इसको फ्रेज क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई वर्ब नहीं होता ये बात आपने याद रखनी है अगर इसमें वर्ब ऐड हो जाएगा तो ये क्लॉज बन जाएगा ठीक है दैट्स द ओनली डिफरेंस चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जहां इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी और आपको बताऊंगी एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है सो so, अब हम देख लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की एक एग्जांपल अ वैली ये हमारी होगी नाउन कवर्ड विद ग्रास स्ट्रेच्ड बिफोर अस एक ऐसी वैली जो के क्या है कवर्ड विद ग्रास जो के ग्रास के, से यानी के ग्रीनरी से कवर्ड है और क्या है इट इज स्ट्रेच्ड बिफोर अस यानी हमारे सामने हम नजर की हद तक उसको देख सकते हैं फैली हुई है ऑलराइट सो right? so, अब यहां पे देखिए जो पार्ट मैंने रेड में लिखा है ये है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज क्या आप कवर्ड विद ग्लास क्या इसके अंदर आप वर्ब देख रहे हैं बिल्कुल नहीं सो so ये बात आपने याद रखनी है कवर्ड विद ग्लास क्या है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है ठीक है क्यों है एडजेक्टिव फ्रेज याद रखिएगा। एक क्लू है कि इसके अंदर वर्ब नहीं दी गई राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ An adjective clause is a group of words that also tells about noun and pronoun. ये भी group of words है जो हमें बताता है क्या बताता है? It tells more about noun and pronoun. बात तो same है। Noun और pronouns के बारे में और interesting information बताता है, ठीक है? Adjective clause mainly begins with word, ठीक है? अब ये जो adjective clause होगा, ये हमेशा in word से, relative pronoun से start होगा। ओके, okay? पर तीन लिखी है? Who, which, that. अब हमें पता है कि जो वर्ड हु है ये किसके किसके लिए लिए। लिए लिए। होता है? Exactly, यानी के तो के तो और होगा? Perfect, so कि आपको याद है इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दिस इज द गिफ्ट विच आई गिफ्ट टू हर अब देखें हमने याद किया था हमें पता है कि जब किसी

ई गिव टू हर जो मैंने उसको दिया था अब देखें गिफ्ट को इस थिंग को मजीद एब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर कैसे और कौन डिफाइन कर रहा है वर्ड कौन सा विच और उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन विच यानी जो के आई गेव टू हर जो मैंने उसको दिया था सो so, कौन सा गिफ्ट उसी गिफ्ट की बात हो रही है राइट सो so, इस गिफ्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बात हो रही है यहां पर मजीद दिया जा रहा है तो ये बात आपने याद रखनी है जब हमें एक सेंटेंस के अंदर विच लगा के या इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा के अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा पूरा सेंटेंस नहीं द पार्ट इन रेड ठीक है जो पार्ट यहाँ रेड में लिखा है वो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा क्लियर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है वेरी वेल डन अब हम क्या करने वाले हैं अब मैं आपको इसके बारे में छोटी सी डिफरेंस बताऊंगी राइट

Covered with grass. क्या इसके अंदर कोई वर्ब नजर आ रही है रेड पार्ट में नहीं तो ये याद रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज का डिफरेंस क्या है I would like you to take a minute to let that sink in. All right? Are you ready for the next part? Very good. चलते हैं बच्चों अगले बोर्ड की तरफ जहां मजीद इससे रिलेटेड एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स so, हमें समझ आ गया कि एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव क्या होते हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक छोटी है इसको हम आउट करेंगे जैसे जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे सोल्व करती जाती हूँ आप इसको मेरे साथ बुक पे सोल्व करते जाए राइट right? मैं इसको पढ़ देती हूँ लेटेस्ट अंडरस्टैंड अंडरलाइन द्लॉज इन ईट सेंटेंस पुट अराउंड एंड प्रोनाउन

और noun को जो के वो उसको डिफाइन कर रहा होगा राइट right? एक मैं आपके साथ करती हूँ आप मेरे साथ माई फ्रेंड है आपने सबसे पहले आईडेंटिफाई करना है कि मेन सेंटेंस क्या है जहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ रहा है उसको सबसे पहले देख लें उसके आगे का सेंटेंस पढ़े रिलेटिव प्रोनाउन विच अब उसके आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं माई फ्रेंड है My friend had told me about. जो ये है, My friend had told me about, ये क्या क्या है? Exactly, ये है है? एडजेक्टिव अब यहां पे हम इसको क्या कर देते हैं? ठीक right, तक ये काम खत्म हो गया। और अब आप उन्होंने हमें कहा है इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने बोला है कि रिंग अराउंड नाउन और प्रोनाउन जो भी दिया गया यहाँ पे उसको हमने क्या करना है सर्कल सो हमें जो नाउन यहां दिया गया था वो था शॉप और द शॉप यू कैन सर्कल इधर नंबर टू दिस इज द लैंड ये हमारा क्या है मेन सेंटेंस दैट दैट अगेन हमारे पास कौन सा वर्ड है एक्सैक्टली हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है हमें आइडिया हो गया कि इससे आगे का जो सेंटेंस है वो क्या होगा एडजेक्टिव क्लॉज दैट द बिल्डर प्रपोजेस टू बाय ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और Land, जो है land को कर देंगे इन सर्कल क्योंकि ये हमारी हो गई नाउन नंबर एलिस अब यहां पर जो है इस को पढ़ने के बाद मैं यहां पर आपको ये चीज समझाउंगी राइट एलिस कॉमा हु इन कैनडा कॉमा इज माय पेन फ्रेंड अब आप एक बात देखें अब इस पार्ट को समझाने के लिए मैंने यहां पर ये रेड में एक नोट लिखा है इसको मैं पढ़ के आपको बताती हूँ रिमेंबर बात की थी हमने मोस्टली पढ़ा था कि वो सेंटेंस के या तो में आ रहा है या सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है ठीक है लेकिन एज्जेक्टिव क्लॉज अगर सेंटेंस के मिडिल में आ जाए तो क्या होगा इट इज मार्क् मार्क्त पहले जो नाउन लिखा होगा उसके बाद कॉमा मार्क कर देंगे कॉमा फिर एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा फिर एक कॉमा मार्क करके आप लिखेंगे मेन सेंटेंस ठीक है इस बात को मैं आपको यहां से समझाती हूँ क्या है नाउन है वेरी गुड अब हु से हमें पता चल गया कि ये है रिलेटिव प्रोनाउन वेरी गुड हमें ये समझ आ गई कि हु से लेकर कैनेडा तक जहां पर एक और कॉमा लगा है ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें बता रहा है कि हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है एजेक्टिव so, क्लॉज में हमने बात की थी हमेशा हमें क्लॉज के अंदर वर्ब दी गई होगी तो क्या वर्ब है यहाँ पे ये वाली ठीक है underline. So, that हो कि ये हमारा जो पार्ट है यह है एजेक्टिव क्लॉज इज माई पेन फ्रेंड या अगेन आपका मेन सेंटेंस हो गया तो so, अब यह बात आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर तो एडजेक्टिव क्लॉज इज कमिंग इन बिटवीन द सेंटेंस

आप मेरे साथ उनको बुक पे ही सॉल्व करेंगे उसके बाद वहां होगी एक एक्सटेंडेड एक्टिविटी उस एक्सटेंडेड एक्टिविटी को आपने घर पे होमवर्क के तरह सोल्व करना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेसन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज